ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और सब अपने अपने घर में खुश होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करने में लगी हूँ आज की रेसिपी, आपसे शेयर करूँगी। छोटी सी रेसिपी है और अचानक से मेरा दिल कर रहा था कि आज कुछ मीठा बनाते हैं, तो मेरे पास ये एक अदद लौकी रखी हुई थी, जिसके जो समझ लें कि ये आधा किलो मतलब एक पाव होगी। ठीक है, तो इसी हिसाब से मैं आज आपको रेसिपी बताऊंगी। इसको मैंने ये देखें इस तरह से कद्दूकश कर लिया है और बाकी रह गई है ये भी अभी हम कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया 3 पाव के करीब, यानी कि आधा किलो से ज़्यादा। ठीक है, तो ये दूध देख रहे हैं आप, ये गरम जैसे बॉयल आएगा तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या ऐड करना है। मेरे साथ रहेगा और जिसने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया हुआ तो उसको जाके पहले तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, एंड देन उसको लाइक भी करें और शेयर भी करते रहें। तो ये सब चीज़ें जो लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं कहती हूँ आपको करने का, ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। और बस यहाँ देखिए हमारा दूध जो है वो बॉयल होने को आ गया। जैसे ही बॉयल होगा तो इसमें मैं जो है आधा कप पानी का डाल दूँगी ताकि ये जो पानी और दूध है अच्छे तरह दोनों मिक्स होकर पक जाए। ये बॉयल आ गया है, तो यहाँ देखिए मैं सिर्फ ये आपके सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इतना सा पानी ऐड करूँगी। ठीक है, ज़्यादा हमें पानी ऐड नहीं करना क्योंकि जो लौकी होती है उसमें ऑलरेडी पानी मौजूद होता है, इतनी मिकदार में पानी मौजूद होता है कि उसी में ये पकती है, उसी में गलती है। ठीक है, यहाँ ये पक रहा है तो ये इब्राहिम मेरे पीछे मम्मा मम्मा बुला रहा है। तो यहाँ ये देखिए मैं 2 सब्ज़ इलायची इसमें ऐड कर दूँगी और आँच कर दूँगी मैं स्लो टू मीडियम। तो ये हमारा कद्दूकश हो चुका है, अब इसमें मैं पानी साथ ही मैं इसमें 2 से 4 अदद जो है पिस्ता डाल दूँगी ताकि जो है ये पक जाए अच्छे से ना। और यहाँ देखिए मैं यहाँ से इस लौकी का पानी जो है वो मैं अच्छी तरह से इसको निकाल लूँगी ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ इलायची की खुशबू आने लगी थी तो यहाँ मैं अपने हिसाब से चीनी ऐड कर दूँगी क्योंकि जिसको जितनी चीनी पसंद होती है वो उस हिसाब से हसब ज़रूरत चीनी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए हमारी चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो चुकी है, तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी हमारी जो लौकी थी जिसमें से मैंने पानी अच्छी तरह से निकाल लिया। ठीक है, और जो है ये देखिए हमारा दूध कितनी अच्छी है, ये हमारी लौकी है, इसमें मैं ऐड करूँगी। अच्छा, बहुत से लोग जो है वो ये कह रहे होंगे कि इतनी सी लौकी का हलवा बना रही हैं, तो सब बस घर में जो सामान मौजूद था तो मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ, साथ में रेसिपी भी बना लूँ। तो अब मेरे स्टाइल से ज़रूर ट्राई कीजिएगा लौकी के हलवे को कि जो है मैं किस तरह से ट्राई करूँ बनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इब्राहिम मुझे तंग कर रहे हैं, इब्राहिम बोले मुझे गोदी में उठाओ और इब्राहिम मेरी गोद में। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग बच्चों के साथ किस तरह से काम करते हैं अपने घर में, अपनी तारीफ सुन के हंस रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी का हिस्सा होती है। तो यहाँ पे जो है हम आंच फ्लेम कर देंगे हाई ताकि इसको जो है ना अच्छी तरह उबाल आ जाए, और उसके बाद तो ये देखेंगे हमारा जो है वो भी पक रहा है। अच्छा, आप देख सकते हैं कितना क्रीमी सा टेक्सचर आया है। ठीक है, तो अब मैं जो है वो आपको इसमें ये देखें यम। तो आप घर में बैठे हुए कम चीज़ से मतलब 1 से 2 अफराद अगर हों तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। ठीक है, और एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें
ये अब ऑलमोस्ट हो गया हमारा, बस इसको आधा घंटा और मज़ीद लगेगा, ये और पकेगा। ये देखें कितना गाढ़ा और क्रीमी टेक्सचर है। इसमें हमें खोया ऐड करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप जब ये और कंप्लीट डन हो जाएगा, देन आप इसका जो है शेप देखिएगा। तो यहाँ देखिए हमारा जो क्रीमी सा, इसको मैं अच्छे से इस तरह से मैश करूँगी। और ये देखें जब इसको मैं भूनने पे आऊँगी, तो आप इसके लच्छे देखिएगा कि लच्छे इसके किस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें अभी ये थोड़ा सा और पक जाए तो मैं इसमें घी ऐड करूँगी, ताकि घी में जो है मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ठीक है, तो ये हमारे जो है अभी पक रहा है। देखिए जितना इसको हल्की आंच पे पकाएंगे, उतना क्रीमी और यमी लुक देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को पता है आजकल गैस का बुरहान है हमारे पाकिस्तान में, हमारे कराची में। तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं और मैं यहाँ पे जो है अपना हलवा बना रही हूँ यम्मी सा। तो मैं कह रही थी कि आजकल गैस का बहुत बुरहान है हमारे, जो है वो गैस चली जाती है। वैसे तो सारा दिन आती नहीं है, बिल्कुल हल्की हल्की सी आँच आ रही होती है। अभी भी मैं आपको अगर दिखाऊं, हमारी आँच जस्ट जो आ रही है वो बिल्कुल हल्की सी आ रही है। मैं आप लोगों को अपना अगर आँच दिखाऊं, तो ये देखें बिल्कुल हमारे ना होने के बराबर आ रही है। लेकिन फिर भी इससे मैं अपना हलवा आप लोगों को रेसिपी शेयर करने के लिए बना रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से, इसमें हमने चमचा बिल्कुल भी नहीं हटाना, चमचा चलाते जाना ताकि ये बिल्कुल भी नीचे ना लगे। तो आप लोगों के पास अगर तो जो है जो भी ड्राई फ्रूट होता है वो ऐड कर लेंगे, तो उसका भी यमी सा टेस्ट आएगा। अच्छा, अगर आप ये लोग देखें तो ये रबड़ी का टेस्ट दे रहा है, रबड़ी वाला लुक आ रहा है इसमें। तो ये देखें, अगर हम चाहें तो इसको इस तरह से भी छोड़ सकते हैं कि इस तरह से भी हम इसको खा सकते हैं, और बहुत ही यमी बनेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये वाली रेसिपी। अभी जो खुशबू आ रही है ना, ऐसी खुशबू आ रही है कि मैं दिल कर रहा है कि अभी खा लूँ। लेकिन अभी हम आपको रेसिपी जो है बिल्कुल पूरी शेयर करेंगे कम्प्लीटली। अभी देखें ये बिल्कुल गाढ़ा हो चुका है, तो अब खोया बनने का टाइम आ गया है। तो मैं इसमें बिल्कुल हाफ से भी हाफ, ये देखें क्योंकि हमारे पास हलवा बहुत कम है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करूँगी। सही है, और ये पक जाएगा घी में। तो यहाँ मैं घी कर चुकी हूँ ऐड, और इसको अब मैं भुनाई का काम करूँगी। इसको हम जल्दी जल्दी से भून लेंगे। चलिए भूनने इसको 10 मिनट लगेंगे भूनने में, क्योंकि हल्की आंच आ रही है तो इसको भूनने में भी 10 मिनट लगेंगे। आप लोग भी बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाइएगा। तो यहाँ देखें ये मैं अच्छे से भून चुकी हूँ, और आप देख रहे हैं इसका यमी सा टेक्सचर आप देख रहे हैं। तो ये ऑलमोस्ट डन हो गया, अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। देखें मैंने कर लिया डिश आउट, तो आप लोग मुझे बताइएगा आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो अल्लाह हाफिज़।